क्या करना है क्या नहीं करना है। किसान वाला क्वेश्चन में कैसे क्या प्रयास करोगे आप, एक काम कर सकते हो आप किसान वाला क्वेश्चन में, मैं आपको हिंट्स देना दे रहा हूँ, बस आप देख लो कैसे क्या करना है इसमें जो है ना। वैसे ये क्वेश्चन 2016 में दोनों क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है फर्स्ट सीटिंग का होगा, ये सेकंड सीटिंग का होगा, ऐसा कुछ होगा, या फिर ये अदर दैनिक के बाहर पूछा गया होगा। हम लोग नहीं लिखे, सिर्फ हम ईयर लिखे हुए, हमको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होता है, सिर्फ और ईयर लिख देते हैं आपको ये बताने के लिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको सीखना भी चाहिए इसी प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। पर ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड करने का क्या जरूरी था, पांचवा नंबर क्वेश्चन। हाँ, आप परेशान हो जाओगे कैसे कैलकुलेशन करोगे, इस तरह क्वेश्चन रिपीट करना चाहिए नहीं, अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहिए आपके लिए। चिंता मत करो, आपके एग्जाम में जो है ना अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है भैया, ऐसा मत बोलिए ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आप खुद से प्रयास करोगे कम से कम। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप एक काम करोगे, जो अंदर वाला जो टर्म है ना उसको आपको एक टर्म मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, टी पी, बहुत सारा टर्म है एबीसी इस तरीके जेड तक में, सिर्फ एक्स को छोड़ के मानना है, 2x बटे x माइनस 5 को, यहाँ पर 2x बटे x माइनस 5 यहाँ साफ दिख रहा है। अगर इसका ऐसे सॉल्व करेंगे ना बहुत परेशानी होगा, कैलकुलेशन इतना होगा आप परेशान हो जाओगे। उस कैलकुलेशन से बचाने के लिए आपको कुछ सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, सोचो ना यहाँ ये टर्म और ये टर्म सेम है, अगर इसको कोई एक खास टर्म मान ले तो आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और इसको बनाओगे, जानते हो ये क्वेश्चन जो आपको चौथा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, चार नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है ना मैंने देखा था, टॉपर का जो आंसर था, भाई साहब क्या ही दिमाग वो लगाई थी, लड़की थी, क्या ही दिमाग लगा था उनका, मजा आ गया था देख करके, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन हम लोग कुछ अलग तरीके से सीखेंगे, आप भी उनका सॉल्यूशन देख सकते हो, बहुत प्यारा सॉल्यूशन था। ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इसका सॉल्यूशन नहीं देखे थे, क्वेश्चन सिर्फ देखे थे वहां पर, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा सा है, इसको बनाओगे आसानी से बनेगा, तीनों क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन तो मजा इसमें आने वाला है, चौथा नंबर क्वेश्चन बनाने में, ओके। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ट्राई करोगे, यहाँ पर आप वाई का वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। चलो हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर अपना संपूर्ण समर्पण देंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे और जरूर उम्मीद करते हैं इसको एक बार ट्राई आप जरूर किए होंगे, इसकी जगह पर आप वाई पुट करके जरूर बनाए होंगे। अब एक बार हम लोग भी इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन उतारना है उतार लो, क्या है क्वेश्चन, 2x बटे x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, अब प्लस 5 इंटू 2x बटे x माइनस 5 का होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है, माइनस 24 है, माइनस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करना है उसको समझना है, अगर बीच वाले टर्म को अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म हम लोग मान लेते हैं तो क्या होगा, चलो देखते हैं, पुट क्या करना है, मानना है ना, लेट 2x बटे x माइनस 5 इक्वल टू y, इसको y मान लिए, इससे क्या होगा, देयरफॉर इसकी जगह पे y पुट करते हैं, y स्क्वायर प्लस 5 इनटू y माइनस 24 इक्वल टू 0, ये तो आसान बन गया, आराम से y का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे x का मान निकालेंगे, देखो ये तो बहुत ही आसान हो गया, इससे आसान कछुआ ना होने वाला, इसको बनाओगे खुद से बनाओगे, यहाँ पे 24 है, इसका आप जल्दी से फैक्टराइजेशन मेथड से वाई का वैल्यू निकालोगे, कैसे निकलेगा वो देखो, यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, यहाँ पे 5 पुराना है ना, देखते हैं 5 पुरता है कि नहीं पुरता है, यहाँ माइनस 24 है ना, माइनस 24 मल्टीप्लाई 1 आपका माइनस 24 ही हो जाने वाला, अगेन बीच में 5 है, 5 को हम दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस 24 के हेल्प से, चलो 24 के हेल्प से 5 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 5 पुराना है ना, कैसे होगा, 2 × 4 × 8 और यहाँ 3 है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते मेरा 5 हो जा रहा है, मतलब 8 और माइनस 3 के फॉर्म में इसको सब्ट्रैक्ट मतलब सॉल्व करना होगा, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें 5 को, 8 और माइनस 3 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा माइनस 24 होने वाला है। अपना ध्यान देना है कैसे कैसे क्या बना रहे हैं उसको समझना है, यहाँ देखो वाई स्क्वायर प्लस 5y को हम लोग लिख सकते हैं 8y माइनस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब आराम से हम लोग इस दो टर्म से कॉमन लेंगे, इस दो टर्म से कॉमन लेने वाले, यहाँ पर आपका y कॉमन आएगा, यहाँ तो y कॉमन ले लिए, अब क्या हुआ देखो, यहाँ समझना, यहाँ y माइनस, यहाँ y प्लस 8 था सिंपल सा, वो यहाँ हम लोग y प्लस 8 उतार दिए, यहाँ पर माइनस 3y है, यहाँ पर y है, किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आप चीख चीख कर बोलोगे भैया हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से y प्लस 8 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 8 कॉमन ले लिए तो यहाँ y माइनस 3 बचा, y माइनस 3 हम लोग लिख लिए, भैया ये तो बहुत ही आसान था, आसान तो है, हमको लगा बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, ये क्या था ये तो देखने में बोर लागे घाव करे छोटका छोटका, मतलब ऐसे मुहावरा होता है, छोड़ो मुहावरा, मुझे मुहावरा याद भी नहीं है अभी, यहाँ देखो हाँ मुहावरा कुछ और था, देखने में छोटन लागे घाव करे गंभीर, ये जस्ट इसके अपोजिट मुहावरा होता है, हम लोग
कुछ और मुहावरा बोल दिए पहन दो। y प्लस एट को जीरो के बराबर किए, यहाँ से y का मान माइनस एट निकल गया। एक बार y माइनस थ्री को जीरो के बराबर करेंगे, यहाँ से y का मान हम लोग का थ्री निकल जाएगा। अब आप खुद सोचोगे यहाँ y का मान एक बार माइनस एट निकला हुआ, यहाँ y का मान थ्री निकला हुआ है, मतलब एक बार हम लोग y इक्वल टू माइनस एट के लिए बनाएंगे, एक बार हम लोग y इक्वल टू थ्री के लिए बनाने वाले। हाँ जी, चलो लिखते हैं। तो लिखते हैं हियर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट वी पुट y इक्वल टू माइनस एट। अब एक बार माइनस एट वाई का मान पुट करेंगे और x का मान निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, 2x बटे x माइनस फाइव इक्वल टू y, y का मान हम लोग माइनस एट पुट कर लेंगे, ठीक है। 2x बटे x माइनस फाइव इक्वल टू माइनस एट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर 2 और 8 को यहाँ पर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं। नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ वन छिपा हुआ है, वन का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, वन का मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, यहाँ पर इस दोनों का मल्टीप्लाई किया माइनस एट गुना एक्स, तो माइनस एट एक्स, माइनस एट गुना माइनस फाइव तो प्लस 40 हो गया ना। हाँ जी, सबको एक तरफ करें जरूर करेंगे, इस माइनस एट एक्स को इधर लेके आएंगे तो आपका टेन एक्स बन जाएगा, इक्वल टू 40 हो गया। यहाँ से x का मान निकालेंगे, हम लोग का 4 निकल जाएगा। देखो कितना आसानी से हम लोग x का मान 4 निकाल लिए, बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है हमें, ठीक है। सिंपल सा, y का मान माइनस एट पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2x, 2x हो गया, इस माइनस एट का मल्टीप्लाई किए माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 8 गुना एक्स 8x, 8 गुना 5 40 हो गया। इस माइनस 8x को बराबर किस तरफ लाएंगे तो 10x बन गया, 40 पहले से था, आराम से 40 में 10 से डिवाइड किए, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ था जो कि आप पहचान नहीं पाते हो, आपको पहचानने सीखना है, ठीक है। हमको उम्मीद लगता है ये आप पहले ही बना लिए होंगे, हम जो बोले यहाँ पर ऐसे से बनाना है आप वहीं पर सॉल्व कर लिए होंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ऐसा उम्मीद है आपसे, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत करते हो, अपने से सॉल्व करने का प्रयास करते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगेन, यहाँ पर आप इसको भी जरूर सॉल्व कर लिए होंगे, यहाँ पर वाई का मान आप थ्री पुट करके यहाँ से एक बार और आप एक्स का वैल्यू निकाले होंगे, बिल्कुल निकाले होंगे। अगेन इन इक्वेशन फर्स्ट वी पुट क्या एक्स इक्वल y इक्वल टू ना y इक्वल टू थ्री, y का मान एक बार हम लोग थ्री पुट करेंगे, जी हाँ थ्री पुट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। y का मान थ्री पुट किए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए देते हैं, ठीक है, करते ही है, क्या करें, वन का मल्टीप्लाई कर लें या इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपकी इच्छा। हम लोग देख रहे हैं यहाँ से 3x होगा, ये 2x होगा, 3x को इधर लिखेंगे 2x को इधर लेते आएंगे आसानी से, कोई नहीं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, दोनों सॉल्यूशन एक ही होने वाला, ठीक है। तो देखो थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, कौन क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग, ठीक है, समझना। या तो पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, या तो इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, हम कोशिश करते हैं क्या जो ग्रेटर होगा ना उसको इधर लिखने का प्रयास करते हैं, तो माइनस का झंझट नहीं होगा आपको, ये सोच के काम करते हैं, आप भी ये सोच के काम कर सकते हो, जो ग्रेटर होने वाला है मल्टीप्लाई करने के बाद पहले उसको लिखेंगे ना तो जो माइनस का झंझट होता है आपके लिए वो माइनस का झंझट नहीं होने वाला, ठीक है, बात को समझना। देखो यहाँ पर हम लोग थ्री का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, ये थ्री एक्स हो गया, अगेन माइनस का माइनस तीन का मल्टीप्लाई पाँच के साथ 15 हो गया, इक्वल टू वन का मल्टीप्लाई 2x के साथ 2x हो गया, इस 2x को बराबर किस तरफ लेके आएंगे, ये तो बहुत आसान लग रहा है ना, आराम से 3x माइनस 2x मेरा x हो गया, इस माइनस 15 को बराबर किस तरफ ले तो 15 हो गया, x का मान मेरा यहाँ से 15 निकल गया, बताओ इससे आसान क्या ही होगा, यहाँ से x का मान 4 निकला, दो सॉल्यूशन हम लोग का निकल चुका है, ये तो बहुत ही आसान था, और 2016 में पूछा गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा तो नहीं ये क्वेश्चन देख रहे हैं देखने में अच्छा मतलब लग रहा है, हाँ बहुत डिफिकल्ट होने वाला, बनता बहुत आसानी से, कहीं वो टर्म वो काम तो नहीं कर रहे थे ना क्वेश्चन, हमारे साथ मजाक नहीं करना, बनना है लेट स्टेट से, ठीक है, थोड़ा परेशान करो, मतलब होता है ना कि हाँ भैया सोच रहे हैं बन नहीं रहा है, वैसा क्वेश्चन होना चाहिए, इस बार ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ ना, तो मिठा देने का, जैसे इस थर्ड क्वेश्चन को मिठा रहे हैं, भैया जी सवाल के साथ ऐसा मजाक मत कहिए, सीरियस नहीं लिया ना आप, परेशान हो जाइएगा, अरे हम चाहते हैं हम परेशान हो जाए एक बार, ठीक है, देखते हैं क्या चौथा नंबर क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल देखेंगे।